हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? जी, उम्मीद करते हैं मज़े में होंगे। और मज़े से आज आपकी अपनी ये क्लास चलने वाली है। ये जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर बंदा, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, बिजनेसमैन हो, बार बार इसलिए बोलता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग इस मामले को लेकर उलझे रहते हैं। सर, कौन सा मामला है ऐसा जो आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं? ई कॉमर्स का नाम सुना है ना? हाँ, सुना है। तो मैं ये भी बता दूँ, जीएसटी में, किसमें? जीएसटी में इस टॉपिक पर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है। और इसके पहले मैंने बार बार, जब भी ये टॉपिक का नाम आया है, एग्रीगेटर या ई कॉमर्स, मैंने आपको उसके बारे में सेक्शन वाइज बताया है। सेक्शन 43B में हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 43B में डिस्कस करेंगे, जब जब उसका नाम आया है। और आज वो समय आ गया है कि हम इस चैप्टर को कंसीडर यानी देखें क्या है इस चैप्टर या इस टॉपिक में। और गवर्नमेंट को ऐसा क्या नजर आ गया कि उन्होंने ई कॉमर्स पर पूरा एक सेपरेट टॉपिक यानी एक चैप्टर ही बना दिया। है ना बड़ी बात कि गवर्नमेंट कितना कंसंट्रेट कर रही है ई कॉमर्स पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक जगह मिली, एक नया सोर्स मिला, और वो भी छोटा मोटा सोर्स नहीं है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कहती है हमको पैसा चाहिए, हमको रेवेन्यू जनरेट करनी है, आपको इनकम हो रही है, मुझे उस पर हिस्सा चाहिए, बात खत्म। लोग भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, जरा उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले अवेयर हो जाएं, और ये काम कैसे करता है पहले उसके बारे में देख लें, तो आगे की प्रोसीडिंग्स हमको आराम से समझ में आएगी कि आखिर ये ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स बेसिकली, आप लोगों ने कई कंपनियों के नाम सुने होंगे, अमेजन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, स्नैपडील का नाम सुना है। नाउ दीज आर द कंपनीज विच आर वर्किंग आफ्टर हैविंग अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए हमारे पास एक वेब पोर्टल होनी चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए। अब उस प्लेस में हम क्या करते हैं, ये बंदा है आपका सप्लायर, सेलर, जो सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, देता है। और ये है बायर, जो इन गुड्स को या सप्लाई ऑफ सर्विसेज को बाय करता है। अब ये सप्लाई देंगे, ये बाय करेंगे। डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती थी विद थ्रू मेनी इंटरमीडियरीज। आप जाते थे मार्केट में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करते थे, वहां तक सामान आने में 20 लोग 20 लोग 25 लोग बीच में इंटरमीडियरी बनते थे, तो उनकी कॉस्ट आती थी। अब क्या है, ऑनलाइन जमाना आ गया है, आप भी ऑनलाइन, हम भी, हम ऑनलाइन है, ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है। तो ये बायर है, ये सेलर है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को ओपन किया, किसी भी कंपनी का, चाहे अमेजन हो, स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो, कुछ भी हो, जोबांग हो, उनको ओपन किया। उसमें उसने प्रोडक्ट्स देखे, उसको वो प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट समझ में आया, और इसने इस पोर्टल पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। और पेमेंट कर दिया। इस कंपनी के पास, जो बीच में एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रही है, उस कंपनी के पास तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं कि इस बायर को वो सामान दे सके। और हिंदुस्तान में या कहीं भी इन तीन तरीकों से ही काम होता है। बहुत ही अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तीन रास्ते हैं इस स्नैपडील के पास, फ्लिपकार्ट के पास, जोबंग के पास, ये सामान इसको डिलीवर करने के लिए। पहला तरीका कि ये ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देंगे और सप्लायर से गुड्स सप्लाई हो जाएगा बायर को, उसके शिपिंग एड्रेस पे। सप्लाई हो गया? जी सर, सप्लाई हो गया। इसको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली दैट द गुड्स हैज बीन सप्लाइड और डिलीवर्ड, ये अपना कमीशन चार्ज करेगा, और कमीशन माइनस करने के बाद
पेमेंट फॉरवर्ड कर देगा। दैट्स इट, सो सिंपल। दिस इज द फर्स्ट वे। गवर्नमेंट को यहां पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन का रास्ता मिला और चोरी पकड़ने का रास्ता मिला। क्या पकड़ने का रास्ता मिला? चोरी। कैसे? गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी आप पेमेंट करोगे या आप क्रेडिट करोगे इनके अकाउंट्स को, आप TCS चार्ज कर लेना। ओके, ये क्या बोला है सर? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो इनकम टैक्स में। हाँ भाई हाँ, ये वही TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाउ हियर द पर्सन हु ओन दिस प्लेटफॉर्म विल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर आफ्टर डिडक्शन ऑफ TCS। ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर दे विल चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स। सोचें अब कितना, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। अब उसके लिए हम लोग को रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो देखना पड़ेगा, टैक्स रेट्स देखने पड़ेंगे TCS के लिए। क्लियर हुआ? मैं नेक्स्ट सेशन में, आज के बाद मतलब नेक्स्ट सेशन में, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग इनवॉइसिंग करते हैं और कैसे हम लोग TCS चार्ज करते हैं, किस वैल्यू पर TCS चार्ज करते हैं, उन तीनों मेथड्स में जो आज अभी हम थोड़ा आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं ताकि आपको ये पूरा टॉपिक डिटेल में समझ में आए। तो ये पहला तरीका था। अब TCS टैक्स तो ये पूरा देने को तैयार था, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स चोरी करने का रास्ता एक मिला कि लोग यहां पर चोरी कर सकते हैं, उससे तुरंत इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा दिया कि एज एंड व्हेन यू विल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर ना, एट दैट टाइम यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज नोन एज TCS। नाउ दिस वन इज द पर्सन हु हैज टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इट्स ओन कमीशन, इट्स ओन शिपिंग चार्जेस इफ देयर इज, और द अमाउंट ऑफ TCS। आफ्टर मेकिंग ऑल दिस डिडक्शन दे विल मेक द पेमेंट टू द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द सप्लायर। दिस इज ओके? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा भी तरीका है। हाँ, अभी तो दो तरीके और बचे हुए हैं। दूसरे तरीके में क्या है, सप्लायर डायरेक्ट सप्लाई नहीं करेगा। सप्लायर से पहले ये बंदा सामान अपने पास मंगाएगा और उसके बाद इस सामान की सप्लाई बायर को हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी विच इज यूजिंग दिस ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, थ्रू इंटरनेट कनेक्शन और ऑफलाइन, वॉट एवर द केसेस, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि ई कॉमर्स, ई प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है और एग्रीगेटर कौन होता है, बताऊंगा। अभी चिंता की बात नहीं, अभी मैं केवल स्टोरी बता रहा हूँ। तो जो कंपनी इस चीज को ओन मैनेज या ऑपरेट कर रही है, वो कंपनी सबसे पहले अपने नाम से, अपने नाम से सामान को मंगाएगी और उसके बाद इसको डिलीवर कर देगी। मीन्स अब दो जगह GST, इसने इसको सामान बेचा, दे विल मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स टू द सप्लायर विथ GST एंड दे विल डिलीवर द गुड्स टू द बायर एंड दे हैव ऑलरेडी गॉट द अमाउंट देयर ऑफ थ्रू नेट बैंकिंग और व्हाटएवर द केसेस, ठीक है ना? तो इन लोगों ने इससे GST लिया और इसने इस GST को यहां ट्रांसफर कर दिया और ये लोग GST की क्रेडिट भी ले सकते हैं। इज इट ओके? वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, वो आगे चलकर बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तीसरा रास्ता। अच्छा, एक और रास्ता, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करता है और इसमें गवर्नमेंट को सजेशंस भी दिए गए हैं, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें एक नई प्रॉब्लम ऐड हुई है। जरा देखा जाए क्या है। हुआ ये है कि सप्लायर ने इस कंपनी को, ये बोला, सिम सिम बोला, इस सप्लायर ने इस ऑनलाइन पोर्टल यूज करने वाले या मैनेज या ओन करने वाले लोगों को बोला कि भाई हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर देते हैं, तू बार बार हमारे पास ऑर्डर लगाता है, हम माल तेरे को भेजते हैं और तू सेल करता है। दैट टेक्स टाइम, वी कैन रिड्यूस दैट टाइम। कैसे? हम आपके वेयरहाउस को अपना वेयरहाउस बना लेते हैं, जिस तरह हम अपनी ब्रांचेज में स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, इन द सेम वे वी विल यूज योर वेयरहाउस, वी विल ट्रांसफर आर गुड्स एट योर वेयरहाउस, यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट आर गुड्स, यू कैन डिलीवर इट डायरेक्टली टू द बायर विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट गेटिंग एनी डिले।
अब ये भी खुश, इसको क्या दिक्कत है? कौन सा पैसा जेब से जा रहा है? कौन सा पैसा जेब से जा रहा है, मैंने ये वर्ड यूज किया। लेकिन अब मामला जीएसटी में थोड़ा उल्टा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। फिलहाल अभी हम वहां पर नहीं जा रहे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो इसने, सप्लायर ने इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट किया और इसके वेयरहाउस को स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। ये मुंबई का, ये बैंगलोर का, तो मुंबई वाले ने बैंगलोर में सामान ट्रांसफर कर दिया। अब इसने सामान डायरेक्ट अपने वेयरहाउस से बायर को सप्लाई कर दिया। अच्छा, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बात करते हैं, वापस आते हैं। सप्लायर के लिए कहा गया है दे हैव टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यस, वी नो वेरी वेल दैट दे आर नीडेड टू गेट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दे एवन नॉट रिक्वायर्ड टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बट दे हैव टू डिक्लेयर दिस प्लेस ऑफ बिजनेस एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड दे हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट ऑल्सो। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात मैंने बोली। अच्छा, तो सर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब प्रॉब्लम तो इसके बाद स्टार्ट हुई। रजिस्ट्रेशन वॉज नॉट एन इश्यू, नाउ द मेन प्रॉब्लम विल बी देयर। क्या प्रॉब्लम है सर? अब तक हम लोग चाहे वैट देखते थे, चाहे सीएसटी देखते थे, अगर कोई सप्लायर अपने ब्रांच को, यूनिट को, डिवीजन को या किसी दूसरी जगह पर अपने कंसाइनमेंट एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करता था तो एक फॉर्म फिलअप करके अपना स्टॉक ट्रांसफर कर सकता था, चाहे इंट्रा स्टेट चाहे इंटर स्टेट, विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई। तो क्या सर आप ये बोलना चाहते हैं कि हमको स्टॉक ट्रांसफर पर पहले जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं ब्रांच को, आप ये बोलना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा, और मैं यही बोलना चाहता हूं कि अब ब्रांचेस को, या अगर अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी अगर मैं सामान को ट्रांसफर करूंगा तो उस केस में मुझे जीएसटी पहले पेमेंट करना है, यानी कि उसको एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। अब जरा सोचें, सामान बिका नहीं, मैंने टैक्स दे दिया, और मेरे ब्रांच पर ही पड़ा हुआ है सामान, मेरे यूनिट पर ही सामान पड़ा हुआ है, मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही सामान पड़ा हुआ है, मैंने उसको ट्रांसफर नहीं किया और उस पर जीएसटी लग गया। कितनी अजीब बात है। तो रिकमेंडेशंस भी डाली गई हैं, देखते हैं अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल तीनों पॉइंट समझ में आए, डायरेक्ट सेल करना, पहले ओनरशिप देना फिर सेल करना, ब्रांच की तरह यूज करना। ठीक सर, कुछ कुछ कहानी अब हमारी क्लियर हो गई जो आप बोलना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दो वर्ड समझाऊंगा जिनको समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझे बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम 43B के जो पांच डेफिनेशंस दी हुई हैं, 43B में दे आर फाइव डेफिनेशन, ए बी सी डी ई, 43BA, 43BB, 43BC, 43BD, सब सामने है। पहला डेफिनेशन है एग्रीगेटर, सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं दी है, ये सारी डेफिनेशन 43B में दी हैं। पॉइंट नोट करें मिलॉर्ड कि ये सारी डेफिनेशंस 43B में दी हैं। टू सेक्शन टू क्लॉज में कुछ नहीं दिया, सेक्शन टू क्लॉज में कुछ नहीं दिया, बल्कि सेक्शन 43B सब सेक्शन ए बी सी या क्लॉज ए बी सी डी ई बोल सकते हैं। तो ये यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, जरा देखते हैं क्या है डेफिनेशन। 43BA क्या कहता है? एग्रीगेटर को डिफाइन कर रहा है, और हमें पहले दो चीजों को समझना है, पहला ए और ई। ए ई, ए बताता है एग्रीगेटर की डेफिनेशन, और ई बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन। ये एग्रीगेटर क्या है? और जब मुझे एग्रीगेटर को समझाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसमें से दो नए वर्ड पैदा होंगे, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। और इसी तरह जब ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम को मैं डिफाइन करूंगा तो अपने आप ब्रांडेड सर्विस सामने आएंगे, और मैं ब्रांडेड सर्विस सी में समझाऊंगा। डी में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स समझाऊंगा, और ई में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को समझाऊंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले ए और ई को समझ लेते हैं। वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ए ई को पहले समझ लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, उसके बाद बी सी डी को समझेंगे। ए कहता है एग्रीगेटर, 43B क्लॉज ए कहता है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मीन्स अ पर्सन, जरा ढंग से देखेंगे, पांच लाइन की डेफिनेशन है, दैट इज सो सिंपल। एग्रीगेटर मीन्स अ पर्सन, और मैं जब बोलूं अंडरलाइन करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप अंडरलाइन कर देंगे। एग्रीगेटर मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ओन्स का मतलब ओनरशिप रखना, एंड मैनेजेस,
मैं ओन करता हूं और मैं मैनेज करता हूं एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी तरीका हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को मैं यूज करता हूं, एंड बाय मींस ऑफ द एप्लीकेशन एंड अ कम्युनिकेशन डिवाइस enables a potential customer to connect with the person providing services of a particular kind under the brand name or trade name of the said aggregator. ये जो electronic platform है इसको अब हम नाम देंगे aggregator. आपको Uber taxi चाहिए, book कराना है, आपको टैक्सी चाहिए घर बैठे बैठे टैक्सी, अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि नीचे तक जाकर के टैक्सी को आवाज लगे, टैक्सी ना बाबा ना, स्मार्टफोन वी विल डू द वर्क स्मार्टली, तुरंत जाएंगे एप्लीकेशन ओपन करेंगे खटा, या तो उबर का या तो ओला का और भी कई सारी है, तुरंत ओपन करेंगे और उनको बुक करवाएंगे अपनी टैक्सी. जैसे ही मेरी बुकिंग इसके पास पहुंचेगी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, ये तुरंत टैक्सी ड्राइवर से बात करेंगे या उनसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई तू खाली है, जीपीएस लगा होगा, पता चल जाएगा कौन कौन टैक्सी ड्राइवर उस एरिया में मौजूद है जो इनके साथ कनेक्टेड है, दे हैव ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, तुरंत इनका कनेक्शन इनके साथ होगा, ये तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे यस जगह खाली है वैकेंसी है, तुरंत इनको सर्विस रिसिपियंट का एड्रेस और नाम बता दिया जाएगा और ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे इनसे. अब या तो ये पेमेंट करेगा इनको या तो ये पेमेंट करेगा इनको, किसी एक को पेमेंट करेगा. अगर इसको पेमेंट होता है तो फिर ये अपना कमीशन, ये अपना निकाल करके फेयर इनको कमीशन दे देगा, अगर इनको पेमेंट होता है तो ये अपना कमीशन चार्ज करके टैक्सी ड्राइवर को दे देते हैं. दिस इज द वे बेसिकली, ये कुछ नहीं कर रहा, इसको इसकी टैक्सी में जाना है, इसको इससे पैसा लेना है, पैसा लेगा, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कराने के लिए एग्रीगेटर आ गया बीच में, बस दैट्स इट. इज इट ओके ना? जी सर, बिल्कुल बढ़िया. फिर से इस डेफिनेशन को समझें एग्रीगेटर को. एग्रीगेटर मींस अ पर्सन हु ओन्स एंड मैनेजेस. तो उबर कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, ओला कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इनको हम एग्रीगेटर का नाम देंगे. Aggregator means a person, means Ola means a person who owns and manages an electronic platform and by means of the application and a communication device enables a potential customer to connect with the person providing service. Potential customer, किसके साथ connectivity दे रहा है उसकी? Provider, service provider के साथ, providing services of a particular kind under the brand name or a trade name of the said aggregator. Under the brand name or trade name of the said aggregator. इस aggregator के नाम से ये brand name है, Uber या Ola. A हो गया. सर आप brand name और trade name भी बता दें, कुछ भी समझ लो. लोगो इसको तो कहते हैं thumbs up, जी कोका कोला, ये brand name है, जहाँ लग जाए उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है. HP वही brand name है, जहाँ लग जाए वहाँ की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो इन्होंने अपना नाम, लोगो, मार्क, इसको इतना फेमस कर दिया है कि आज ये उस चीज के नाम से जाने जाते हैं. ब्रांड नेम और ट्रेड नेम बता देता हूं. मीन्स अ ब्रांड नेम और अ ट्रेड नेम वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, बिल्कुल मतलब नहीं है आप रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड नेम और ब्रांड नेम का. A name or a mark, चाहे वो नाम हो चाहे वो mark हो, such as an invented work, word or writing, चाहे आप किसी नए design में लिखे या writing word में हो, और a symbol, monogram, logo, label, signature, which is used for the purpose of indicating or so as to indicating a connection in the course of trade between a service and some other person using फलाना एंड दिमाग का. तो हमें तो ये भी समझ में आ गया सर ब्रांड नेम और ट्रेड नेम का मतलब क्या है. ब्रांडेड सर्विसेज का मतलब होता है आप दुकानदार के पास जाते हो, कहते हो जरा हमें इस ब्रांड की चीज दिखाओ, कहता है ये साहब ले जाओ, आप कहते हो नहीं भाई ये ब्रांडेड नहीं है. ये कौन कह दिया आपसे ब्रांडेड नहीं है? ब्रांडेड का मतलब पॉपुलर, आपके दिमाग में रहता है ब्रांडेड का मतलब पॉपुलर चीज हो. आप टीवी देखने गए, आपको एक कंपनी का मिला,
सैमसंग सोनी ब्रांडेड। आपको अगर लोकल ब्रांड की एक टीवी दिखा दी जाए जो उसी सिटी में मैन्युफैक्चर की गई हो तो आप कहेंगे ये लोकल लेवल की टीवी है, ये ब्रांडेड नहीं है। नहीं भैया, वो ब्रांडेड है, क्या बात कर रहे हैं आप, अच्छे ब्रांड की चीज बोल रहे हो, वो ब्रांड है। जरा देखते हैं, ब्रांडेड सर्विसेज मींस सर्विसेज विच आर सप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम और ट्रेड नेम वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। तो ये उबर चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो उसे कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देख लेते हैं सेम वही चीज जो एग्रीगेटर के बारे में देखा, लेकिन फर्क है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देख लेते हैं क्योंकि एग्रीगेटर देखा है मींस एक पर्सन एग्रीगेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऑपरेटर मींस अ पर्सन। तो चलो उसकी भी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल इंक्लूड एवरी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन ऑपरेट और मैनेजेस। एग्रीगेटर में ओन एंड मैनेजेस, यहां ओन ऑपरेट एंड मैनेजेस और मैनेजेस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट इज एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विसेज। और जब आप एग्रीगेटर पर जाएंगे तो केवल और केवल सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हुई थी, वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात नहीं हुई थी। ओला और उबर किसी को कोई सामान नहीं बेचते, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देते हैं एंड दे प्रोवाइड्स यू ओनली अ सर्विस। व्हाइल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू अ सर्विस बट ऑल्सो दे कैन सप्लाई यू अ गुड्स। जी तो कहा गया दैट इज एंगेज इन फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विसेज और इन प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन और एनी अदर सर्विसेज इंसिडेंटल टू और इन कनेक्शन देयर विद बट शैल नॉट इंक्लूड पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन देयर ओन बिहाफ। चलिए लास्ट की लाइन बाद में पढ़ेंगे, दोनों में एक फर्क समझ लें। ई कॉमर्स प्लेट ऑपरेटर और एग्रीगेटर में एक फर्क होता है। एग्रीगेटर केवल सर्विसेज को दे सकता है जो ओन करता है मैनेज करता है, जबकि वही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर को वेब एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर्ड हो नॉन रजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे कनेक्ट होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, आप उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसके जो वो ओन करता है ऑपरेट करता है या मैनेज करता है, जिसमें केवल ये शामिल नहीं है कि आपको सर्विसेज दी जाएं, कभी कभी वो सप्लाई भी करते हैं। मैंने अभी आपको तीन तरीके बताए सप्लाई का, स्नैपडील और अमेजन के। तो वो केवल आपको सर्विसेज भी दे सकते हैं और वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर सकते हैं।